हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस क्लास में खास करके मैं एक स्टूडेंट का रिक्वेस्ट लेकर इस पे आया हूँ। हमारा एक स्टूडेंट ने एक मुझे इमेज भेजा है, ये वाला। उसे थोड़ी दिक्कत हो रही थी ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इस पे मैं पूरी वीडियो बनाकर उसे समझा दिया जाए, ताकि उसकी जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। हालांकि ये बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत बार जब आप फ्रेशर होते हो, जब बिगिनर होते हो, तो थोड़ी सी आपको मुश्किलें आती हैं कि एग्जैक्टली इसको कैसे सेटअप करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ मैक्स में। और मैक्स में आकर सबसे पहला काम जो करना है ना, आपको करना है यूनिट सेटअप। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ से आप ले लेना फिट फ्रैक्शनल इंच, एंड यहाँ से इंच ले लेना, ठीक है, 1/8। ओके, अब अगर आप यहाँ पे आते हो, यहाँ पे अगर आप आते हो, तो सबसे पहले तो इमेज को ध्यान से देखो। देखो ये इमेज अगर देखोगे ना, तो मैं इसको तकरीबन अगर 5-5 फीट करके भी मान लूँ, ये अगर 5 फीट का भी दरवाज़ा है या 6 फीट का दरवाज़ा है, तो ये तकरीबन 18-19 यानी 20 फीट का हम इसको मान लेते हैं, और इधर से मान लेते हैं 15 फीट का, ऐसा हम एक मान के चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बॉक्स ले लो फटाक से, और ये जो बॉक्स की हाइट है वो होगी 10 फीट, जैसा कि आपको पता है कि हाइट 10 फीट होती है। और ये वाला जो है इसको हम कर लेते हैं 20 फीट, ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं 15 फीट। ये आपको अभी समझने में बहुत आसानी होगी, 15 फीट की जगह आप इसको 12 फीट भी रख सकते हो, ठीक है ना। ये अब ये हो गया हमारा। और सबसे पहले तो इस फाइल को करो सेव इमीडिएटली, इसमें कोई भी वो नहीं करने का आपको। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं सेव एच एंड ऑनलाइन क्लासेस आर्किटेक्चर 3ds max, ठीक है। और यहाँ पे कर लेते हैं एक्सटीरियर डिज़ाइन, और करके इसको सेव कर दो। अच्छा, एक्सटीरियर डिज़ाइन V1 कर देना, ये version 1 है, ठीक है, ताकि हम जैसे जैसे करते जाएं हम आगे बढ़ते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बाउंडिंग बॉक्स दिख रहा होगा, तो इसको आप Shift-J प्रेस करो, Shift-J, और ये बाउंडिंग बॉक्स हटा लो, राइट क्लिक करेंगे। अब अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, क्योंकि इसकी हमें अगर इंटीरियर नहीं बनानी होती तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इसके इंटीरियर भी बनानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे जाइए और इसके पीछे वाले हिस्से को राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और पीछे वाले हिस्से को सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक घर बन जाएगा आपका, डन। और ये जो है, अब इसके अंदर आपको दे देना एक सेल, तो आप दे दो यहाँ पे एक सेल, सेल दे दीजिए ऐसे। और सेल में आप तकरीबन 5 इंच मोटी इसको दीवार बना लीजिए ऐसे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक बन गया है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ये वाला, तो ये जो है ना, ये 2.5 फीट का है, और ये तकरीबन 6 फीट के इस ग्लास डोर को हम रखने वाले हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे, और सिंपल यहाँ पे जाने के बाद आपको एक बॉक्स लेना है, और बॉक्स लेकर ऐसे आप क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। तो इसकी जो ये हाइट होगी, ये हाइट होगी तकरीबन 7 फीट, क्योंकि डोर है, ग्लास डोर है, 7 फीट। इसको तो आप बस खाली आर पार रखने का है और कुछ नहीं, और इसको आपको रखना है 6 फीट। तो ये 6 फीट हो गया। अब ध्यान से समझो एक एक चीज़ आपको समझने वाली चीज़ है कि ये क्या है। ये देखो, इधर से तकरीबन 6 इंच छोड़ कर है, तो हम तकरीबन इसको 6 इंच के आजू बाजू में से छोड़ के रखें। अब देखो कि बाकी एकदम परफेक्ट यहाँ पे वॉल का आपको जगह मिला हुआ है, ठीक है, डन। ये देखिए यहाँ पे आ गया, और हम इतना ही ज़मीन पे इसको रखेंगे भी, इसी ज़मीन पे यहाँ पे। तो ये हमारा इधर का हो गया। इधर वाला जो डोर हम बनाएंगे ना, इसी से हम इधर वाला भी बना लेते हैं, ठीक है। तो इधर लेकर आते हैं कॉपी, और इसको इधर ले आओ। अब ये जो रहेगा, ये थोड़ा सा हाइट पे रहेगा, तकरीबन आप ऐसे रख लीजिए 10 इंच की हाइट पे रहेगा, ये नीचे है, लेकिन ये अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा हाइट पे है, तो मैंने इसको 10 इंच की हाइट पे रख ली। अब हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे आके हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है उसको बढ़ाना है, तो उसको कर लेना 30 इंच। 30 इंच मतलब 2.5 फीट, ठीक है, और हाइट सेम ही रखेंगे। ये देखो, तो इधर आप देखोगे तो हाइट इसके बराबर में है, ठीक है, देख रहे हो, इसके बराबर में। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है, हाँ। तो आपने नीचे में कितना, आपने 10 इंच छोड़ दिया है, तो 10 इंच की जगह आप इसको नीचे में कर लो 12 इंच छोड़ दो, और इसकी हाइट कर लो अभी 6 फीट, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। ये देखिए, तो ये दोनों अभी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे भी देखो बराबर है, डन। अब मैंने इसको यहाँ रख लिया। अब एक, अच्छा यहाँ पे भी आप देख लो कि कितनी डिस्टेंस पे है, तो इधर से जो डिस्टेंस है उधर से भी वही डिस्टेंस है, तो उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी रखना है। तो हम यहाँ पे आएंगे,
और इसको हमने तकरीबन यहाँ रख लिया और इसको हम कॉपी करके, अच्छा इसको ना थोड़ा सा आप कर सकते हो, लाइक मैं 3 फीट रख लेता हूँ अभी के लिए क्योंकि अपने पास स्पेस है, और इसको कॉपी करके हम यहाँ भी ऐसे रख लेते हैं। ओके डन। सो देखिए ये हमारा बेसिक सा फॉर्मेट बन के तैयार है। पहले यहाँ तक आपको करना है, यहाँ तक आप पॉज करो और पहले यहाँ तक कर लो, ठीक है। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ अगर वैसे करोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब करना क्या है कि इसमें सेल लगा हुआ था, मैं राइट क्लिक करके एक बार वापस इसको एडिटेबल पॉली कर देता हूँ ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर आप जाके कंपाउंड ऑब्जेक्ट में जाओ और यहाँ से ले लो आप कंपाउंड ऑब्जेक्ट, और यहाँ से लो प्रो बुलियन एंड सब्सट्रैक्शन स्टार्ट पिकिंग अप, डन। तो देखिए आपका ये चीजें बन के तैयार हो गई। कंट्रोल एस, तो ये क्या हुआ, अच्छा इसका कलर आप चेंज कर लो जैसा आपको उसमें दिख रहा है फिलहाल, तो वैसा ही कलर रख लो। तो देखिए ये आपका पोर्शन जो है बहुत आसानी से हमने नीचे वाला पोर्शन बना लिया। अब नीचे का जो डोर वगैरह है वो सब भी हमें बनाना है, वो सब भी हम बनाएंगे, लेकिन चलो बाद में आते हैं। पहले डोर वगैरह सब बनाते हैं, पहले ये परफॉर्मा जो है इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं। अब ये अगर इसको देखें ना हम, तो अगर हमने इसको 20 रखा है तो ये तकरीबन 14 होगा, 14x14 के आसपास में ये बॉक्स होगा। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाकर हमें स्टैंडर्ड बॉक्स और वापस से कैसे बॉक्स लेना है। तो ये जो बॉक्स है ये हम बॉक्स लेंगे 14x14x10 फिट, हाइट वही होगी। तो देखो हमने यहाँ पे ऐसे ले लिया है 14 फिट। अब यहाँ पे देखोगे तो ये कितना है, ऊपर है, और यहाँ पे देखो ये पूरा हाइट मेरा 10 फिट है, लेकिन ये पूरा 10 फिट पे नहीं है, ये 9 फिट के आजू बाजू में है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जेड में जाऊँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा 9 फिट। तो देखो ये 9 फिट चला गया, देख लो कितना आराम से चला गया, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं आपको, और बहुत आसानी से ये अपना हो गया है, डन। तो अभी आकर देखो तो ये बराबर ही मुझे लग रहा है, जितना इधर और उतना ही उधर है, और हो सकता है कि ये थोड़ा सा कम ज़्यादा हो, बट उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये आप इसको अंदर ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा घर बन जाएगा, ये वाला जब हम दीवार बना देंगे तो ये वैसे भी अंदर चला जाएगा, तो उससे कोई मतलब है नहीं। अब बात ये आती है इसको कटिंग करने की, इसको आपको कटिंग करना है, लाइक ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भी हम राइट क्लिक करते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इधर आकर मैं इसको काट लेता हूँ, और यहां से जाता हूं सेल और इसमें डाल देता हूं सेल, और इसको कर लेता हूं मैं 10 इंच, क्योंकि 10 इंच थोड़ा मोटा रहेगा। अब ध्यान दो यहां पे एक चीज कि ये देखो डोर के एकदम ऊपर में ही है, और हमने भी जो चीज बनाया है वो तकरीबन डोर के ऊपर में ही है। अगर आप देखोगे तो आपको यहां समझ में आएगा, यहां पे आके देखिए, देखिए तो हमारा एकदम परफेक्ट बना है, डोर के ऊपर में ही ये चीज है, थोड़ा सा इधर भी रख सकते, लेकिन ये वाला हिस्सा जो मेरा है ना वो ये देखो इस वॉल पे ही है, जबकि मेरा हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पॉलीगन में वर्टेक्स को पकड़ेंगे और इसको सिलेक्ट करके इसको ले लेंगे अंदर, एंड देन वापस यहाँ पे आओ, एंड अभी आप क्या करो कि अभी राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉलीगन, एंड अभी देखिए अभी आपके पास मिल गया ये पूरा, अब इसको आप अंदर की ओर ले ही लीजिए, बहुत सोच समझ के आपको बनाना है। देखिए तो ये मेरा एक्चुअल फॉर्मेट बन के तैयार है। अब यहां पे देखेंगे तो ये बाहर निकला हुआ है, ठीक ही निकला हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, मगर आप चाहते हो तो इसको थोड़ा अंदर की वजह से ले सकते हैं। बस अब हमें यहां पे वो चीज क्रिएट करनी है जो ये वाला पोर्शन है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए भी आपको कुछ करने की खास करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ही सिंपल सा चीज है। यहां पे जाओ और यहां पे जाके ना आप एक बॉक्स बना लो, बॉक्स तकरीबन ऐसा, ठीक है, तकरीबन ऐसा आप एक बॉक्स बना लो, ठीक है, और ये 10 फीट हाइट था, तो हमें 1-1 फीट ऊपर नीचे दोनों तरफ छोड़ना है, तो इसकी जो हाइट है ना मैं रख लूंगा 8 फीट। देखो कितना कैलकुलेशन से मैं बना रहा हूं, और इसको यहां से मैं कर लूंगा 10 फीट ऊपर, देखो आ गया बीचों बीच,
सी। अब देखो ये यहाँ तक एकदम कटिंग होना चाहिए, तो यहाँ तक आपको सेट करना होगा इसको ऐसा। अब आप देख लो कि इधर से जितना बराबर है उतना ही इधर भी है कि नहीं है, मतलब कहाँ पे इतना जिधर है इधर ज़्यादा ही रहेगा। हाँ ठीक ही है, सही है, एकदम परफेक्ट। ऊपर नीचे भी एकदम हमारा बराबर है क्योंकि हमने एकदम मेजरमेंट लेके किया है, तो आप देखोगे तो ऊपर नीचे भी एकदम ये बराबर है। थोड़ा सा आप इसको ऐसे बाहर निकाल सकते हो, बस हो गया डन। करना क्या है, इसको सेलेक्ट करना है एंड जाना आपको कंपाउंड ऑब्जेक्ट बुलियन सब्ट्रैक्ट एड ऑपरेंस कट। ये देखिए आपका ये चला गया, तो ये भी हमारा बन गया डन, ये पोर्शन भी हमारा बन के तैयार है। अब आते हैं यहाँ पे, अब हमें ये वाली बनानी है पोर्शन ये, तो ये भी तकरीबन हम वैसा ही रखेंगे और ये तो इससे बड़ा ही है तो उस हिसाब से ही इसको भी हमें रखना है। ठीक है आ जाओ अभी यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आके आप आराम से एक बॉक्स पहले क्रिएट करो, ठीक है। अभी ये ध्यान देना कि कितना दूर में, इतना दूर है तकरीबन 3-4 फीट छोड़ के है। सो मैं यहाँ से ऐसे बना लेता हूँ, हाइट 10 फीट नो डाउट उतना ही रहता है। एंड ये चूंकि देखो इतना आगे निकला हुआ है, करीब 3 फीट आगे निकला हुआ है, 3 फीट के आजू बाजू में ये आगे निकला ही हुआ है, तो मैं इसको रख लेता हूं 23 फीट, चलेगा ठीक है। और हमने जो 25 फीट रखा था तो वो भी मेरा कोई गड़बड़ था नहीं, उसको भी हम ठीक कर लेते हैं और इसको आप यहां रखो डन। ये देखिए ठीक है, अब यहां पे जाओ और इसे कर लो तुम 10 फीट, तो एकदम आपका थोड़ा सा ये ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर गया है कि नहीं ये देखने के लिए आपको यहां आना है डन, तो एकदम परफेक्ट है। हम वापस राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करेंगे और यहां जाके इसको हटा लेंगे, ठीक है, क्योंकि इधर से हमें कोई लेना देना है नहीं फिलहाल। यहां जाएंगे SHEL सेल एंड अब ये इसको हमें और ऊपर लेना होगा, परफेक्ट। तो ये मेरा अभी ये घर बनके तैयार है। अब यहां पे भी हमको अगर आप देखोगे तो इधर 2.5 फीट और 4 फीट टोटल इस तरीके से हमको यहां पे कटिंग करनी है। सो कम बैक टू टॉप व्यू, ठीक है, एंड बिफोर दैट मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट एडिटेबल टू पॉली, सिंपल, क्योंकि मुझे पता है कि अभी उसकी जरूरत है नहीं। अब यहां हम जाएंगे, अच्छा इसको वापस देख लो, तो ये यहां से स्टार्ट है कुछ, सही है, और ये रहेगा अपना हाइट वंस अगेन 7 फिट, हाँ 7 फिट रखो, चलेगा, हो गया। W प्रेस करो, इसको थोड़ा और अंदर की ओर आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसको थोड़ा इधर ले सकते हो और इसे ही यहां कर लो और यहां करके इसकी जो वीथ है इसको कर लो 36, क्योंकि ये वाला जो है ये 3 फीट का ही है, ठीक है बस यहां लगा दीजिए। अब इन दोनों को पकड़ना है और पकड़ के दोनों को कर देना है 10 फीट ऊपर, एंड अब यहां पे आकर देखना है कि एग्जैक्टली कहां पे आ रहा है, तो मिलाना है यहां। अच्छा अभी और देख लो, यहां पे देख लो, यहां पे भी छोड़ के है, मतलब तकरीबन 1 फीट छोड़ के है, तो आपको यहां पे
एक फिट छोड़ के इसको बनाना हो, देख लो, ठीक है ना, एक फिट छोड़ के डन। तो ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे बन के तैयार है। अब हम यहाँ पे आएंगे और फटाफट इसको सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ जाएंगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट तो बुलियन स्टार्ट पिकिंग अप पिक एंड पिक एंड सी इट्स डन। तो हमारा जो पूरा का पूरा वो है वो घर बन के तैयार है। अब अगर मान लो कि हमको किसी कारण से इधर दिख गया या इधर दिखा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो ये देखिए आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब ये वाला पोर्शन अगर आपको लगता है कि दिख रहा है तो उसमें उतना कुछ मगजमारी करने की जरूरत है नहीं आपको। आप क्या करो कि सिंपल एक फिलहाल बॉक्स लेके, फिलहाल एक बॉक्स लेके और यहाँ पे एक बॉक्स ऐसा लगा दीजिए, ऐसे फिलहाल एक लगा दीजिए ताकि वो दिखे नहीं। एंड सेम हम नीचे में भी लगाएंगे, एक बॉक्स लेंगे, ये बस थोड़ा सा आपको हैक करना है। दिस इज कॉल्ड हैक, जब भी हम कोई चीज बना रहे हैं। ये देखिए बन के तैयार हो गया। अब नीचे का जो ये वाला पोर्शन है, नीचे जो ऐसा ग्राउंड है फिर इधर वॉल है, चलो उसको भी पहले बना ही लेते हैं, फिर हम आज का ये क्लास को करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। पहले कंट्रोलर्स कर लेते हैं। अब यहाँ आते हैं, अब यहाँ आके आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे प्रो बुलियन दिख रहा है, चूंकि हमने बुलियन किया था तो हमको वापस से कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करना पड़ेगा। यहाँ आइए और इसको सेलेक्ट कीजिए, देखिए। अब इसको जब आप सेलेक्ट करोगे ना तो ये पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट हो जाएंगी, लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे निकालना है ऐसा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करो, इस पे आ जाओ और सेलेक्ट करके जाओ एडिट में, और यहाँ पे मिलेगा स्विफ्ट लूप और F4 प्रेस करो, यहाँ पे क्लिक कर दो। एक बार मैं इधर पहले एडिट से बाहर निकलो। ओके, तो इसमें आपको वो सिलेक्शन बनानी है। कोई बात नहीं है। तो ये अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे एक और बहुत ही बेसिक सा ट्रिक है मेरे पास, आई थिंक ये है। ओके, सो ये ऊपर में भी सिलेक्ट हो रहा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सा काम करूँगा, इसको ऐसे पकड़ूंगा और पकड़ के राइट क्लिक करो और कर लो यहाँ पे कनेक्ट। अब देखो ये कनेक्ट कभी मत करना ऐसे, तो ये गड़बड़ होगा ही होगा। तो सिंपल यहाँ पे मैं आपको एक फंडा बताता हूँ। सिंपल आप यहाँ पे जाइए, चूंकि कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक ही है। मैं सिंपल यार इतना मेहनत क्यों करना आपको, सिंपल यहाँ पे जाइए और यहाँ से यहाँ तक आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। और ये तकरीबन रहेगा 3 इंच। W प्रेस करेंगे, यहाँ जाएंगे और इसे कर लेंगे, सॉरी ऐसे, ये देखो हो गया सेम टू सेम आपका। बल्कि आप यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आना चाहते हैं, हो गया ये। अब इसकी हाइट अगर कम करना चाहते हो तो थोड़ा सा और हाइट कम करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। बस सिर्फ यहाँ पे देख लेना कि सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए आपका, कि थोड़ा सा नीचे जमीन से तो टच कर देंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी आके देख लो, ये हो गया। पीछे भी मुझे थोड़ा सा चाहिए होगा, तो पीछे के लिए भी मुझे ये बढ़ानी होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक वॉल है जो इससे सटा हुआ है और यहाँ तक है, तो ये वॉल भी हमें बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ जाके हम लेते हैं एक बॉक्स, और इसे हम कर लेंगे 8 फीट और ये करेंगे 5 फीट
अच्छा, अब देखिए आपका वही चीज जो यहाँ पे देखने को मिल रहा था सेम टू सेम मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, मतलब इधर रख लेता हूँ ऐसे। अब मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करूंगा और यहाँ पे जाके अब सीधा इसको ऐसे कर लीजिए, डन। अब हमें क्या करना है, ये पोर्शन। अब अगर आप देखोगे तो आपका ये जो है, ये देख रहे हो ऐसे एक सिलेंडर पे कुछ इस तरीके से, तो मैं भी यहाँ पे कुछ वैसा ही कर लेता हूँ फिलहाल। तो यहाँ पे जाएंगे और लेंगे यहाँ से एक सिलेंडर, देखिए ऐसा है ना, बड़ा सा सिलेंडर है, तो मैं भी यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसा सिलेंडर ले लूंगा और इसकी जो हाइट है यहाँ पे देख लो, हाइट तकरीबन ये 6 इंच है, तो मैं इसकी हाइट कर लूंगा 6 इंच या आप कर लो 12 इंच, और इसका जो सेगमेंट है साइड का वो बढ़ा लीजिए, कैप सेगमेंट को भी थोड़ा सा बढ़ा के फिलहाल आप रख सकते हो, हाइट सेगमेंट की हमें उतनी जरूरत है नहीं, 10 और यहाँ पे कर लो 18। अब जाओ यहाँ पे और यहाँ पे जाके इसको पकड़ो, या डन। देख लो सेम टू सेम आपको यहाँ पे मिल रहा होगा। अब यहाँ पर एक चीज और करनी है, अच्छा इसकी जो रेडियस है मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ऐसे। अब हमें क्या करना है कि हमें इसको कंट्रोल वी करना है कॉपी, एंड इसकी जो हाइट है उसे हमें करनी है लाइक ऐसा 4 इंच और रेडियस इसकी बढ़ा लेनी है, रेडियस बढ़ा के ले लो। इसकी हाइट जो है कर लेते हैं 6 इंच, ये देखो। अब अगर आप ये देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा है, बस। तो ये जो आपका फॉर्मेट है ये पूरा का पूरा बन के आपका तैयार है, इसको कर लेते हैं सेव। तो चलिए फिर आज के क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो यहां तक प्रैक्टिस करके पहले मुझे दिखाइए एंड फिर मैं आगे आपको बताता हूं। तो इसी तरीके से सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि कौन सा पोर्शन आपको नहीं समझ में आया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डिट्टो मैंने ऐसा ही बना दिया और ये सारी टेक्सचर्स वगैरह सब आपको सिखाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है, बाय बाय। और मैं इसको कर लेता हूं सेव एस, बाय बाय, टेक केयर।